गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कटिंग से प्लांट उगाना या प्लांट लाकर प्लांट लगाना, सीड से प्लांट उगाना, पर आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे पत्ती से भी प्लांट उगा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, पत्ती से भी प्लांट उगा सकते हैं। हमारे पास जो भी प्लांट हैं उनमें बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो सिर्फ पत्ती से ग्रो हो जाते हैं, और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ना ही मैं सुनकर कह रही हूँ, ये मैंने खुद ही अपने घर में पहले उगाए हैं उन्हें पत्ती से। फिर उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि आप कौन कौन से प्लांट को पत्ती से ग्रो कर सकते हैं, है ना एक अजूबे जैसी बात। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मैं बताती हूँ आपको पहला प्लांट। ये देखिए, मेरा पहला प्लांट है ये जीजी प्लांट। ये जो आप स्टेम देख रहे हैं ये मेन स्टेम है। मैंने इसे प्रोपोगेट किया था एक बड़े प्लांट से। उसके बाद ये देखिए, ये पत्ती आपको दिख रही है, ये पत्ती से मैंने, ये देखिए आप यहाँ पर जाके एक प्लांट निकला है। इसमें दो ही लीव्स हैं, पर उम्मीद करती हूँ कि जब इसके बाद इसका नया दूसरा जब निकलेगा, ग्रोथ होगी दूसरी, तब थोड़ा बड़ा प्लांट निकलेगा। पर पत्ती से इसने प्लांट को उगाया तो सही है, पर आपको अगर आप पत्ती से प्लांट उगा रहे हो तो बहुत पेशेंस होना चाहिए आप में, क्योंकि पत्ती से प्लांट उगने में बहुत समय लगता है। कुछ पौधों में, कुछ पौधे बहुत जल्दी पत्ती से प्लांट को ग्रो कर देते हैं। मैं अब दिखाऊंगी अभी आपको वो भी प्लांट जो बहुत ईजिली ग्रो होते हैं पत्ती से। या फ्रेंड, ये देखिए, ये लीव्स इसे ग्रो होने में लगभग 6 से 7 महीने लग गए। पहले तो मुझे लगा कि ये पत्ती बेकार है, शायद ऐसे ही ये फेड नहीं हो रही है या मर नहीं रही है, बट जब मैंने इसको निकाल कर देखा तो नीचे, जैसे इन प्लांट्स में कंद होता है नीचे छोटा सा, वैसे इसमें छोटा सा कंद और जड़ थी। मैंने इसको फिर से इसी में लगा दिया, और उसके बाद 6 से 7 महीने के बाद कंद तो इसमें आपको 2 महीने बाद ही दिख जाएगा, पर जो प्लांट निकलेगा उसको मेरे प्लांट को तो फिलहाल 6 से 7 महीने लग गए हैं। और जो हमारा दूसरा प्लांट है, ये मैं अभी आपको वो प्लांट दिखा रही हूँ जो हार्डी प्लांट है, पत्ती से उगने में इनको समय ज़्यादा लगता है। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि जो वो कौन से प्लांट हैं जिन जो बहुत ईजली विद इन 15 डेज आपको प्लांट दे देंगे। तो ये देखिए, ये स्नेक प्लांट, इसे भी आप पत्ती से उगा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपको प्लांट नहीं अवेलेबल है तो आप कहीं से एक पत्ती ले आइए, पत्ती को लगा दीजिए और वो ग्रो हो जाएगा। ये जो मेरा छोटा प्लांट आप देख रहे हैं, ये मैंने पत्ती से ग्रो किया है। मैं आपको, ये एक पत्ती मैंने लगा रखी है, ये प्लांट नहीं है, ये वाला ये पत्ती है। मैं आपको निकाल कर इसकी जड़ें दिखाती हूँ। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा इसमें रूट्स निकलना शुरू हो गई हैं, ये देखिए। और कुछ दिन के बाद यहाँ साइड से ये नया प्लांट ग्रो करेगा। इसे मैं खैर बाद में लगा दूंगी। और ये जो मेरा प्लांट है, ये छोटा वाला, ये पत्ती से ही ग्रो हुआ है। यहाँ पर साइड में पत्ती थी, पर हाँ पत्ती जब ये प्लांट मैच्योर हो गया, मतलब इसकी ग्रोथ थोड़ा हो गई, तो वो पत्ती सड़ गई, फिर मैंने उसे निकाल दिया, पर ये प्लांट अभी ठीक है। तो इट मीन्स कि हम इसको भी पत्ती से ग्रो कर सकते हैं, पर थोड़ा समय लगता है। इस प्लांट को भी ग्रो होने में 4 to 5 मंथ लग गए पत्ती से ग्रो होने में, अभी प्लांट भी बहुत छोटा है। तो आपको दिखाती हूँ ईजीएस्ट प्लांट जो बहुत ईजी ग्रो होते हैं पत्ती से। ये देखिए, ये अजूबा, इसका नाम ही अजूबा है। अजूबा शायद इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि ये पत्ती से भी ग्रो हो जाता है। आपको दिखाती हूँ, ये छोटा सा प्लांट है और ये मरी हुई पत्ती भी शायद आपको दिख रही होगी। क्या हुआ, इसकी एक पत्ती टूट गई, फिर मैंने इसको इसी में रख दिया, और इसके बाद ये देखिए छोटा सा प्लांट ग्रो हो गया है, और ये बहुत जल्दी ग्रो हुआ है। तो इसको भी आप पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ ही है ये पत्थरचट्टा, मैं दिखाती हूँ मेरा प्लांट कितना बड़ा है। मैं ऐसे करके दिखाती हूँ आपको टेढ़ा करके, ये देखिए। और इसको लगाया मैंने किसमें, वो भी देखिए, ये देखिए बहुत छोटे से पॉट में है ये, और इतना बड़ा प्लांट है। इसके तो खैर मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं, तो इसके लिए आपको ये प्लांट लगाना ज़रूरी है घर में। ज़रूरी क्या है कि अगर आपको ज़रूरत है, इसको काफ़ी तरह से मेडिसिन के यूज़ किया जाता है, और हाँ आप इसको भी पत्ती से ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। मैं दिखाती हूँ, मैं
पास है ये ब्यूटीफुल सा प्लांट, ये देखिए ये ब्रायोफिल्लम, इसको ब्रायोफिल्लम भी कहते हैं, ये अजूबा की ही फैमिली से है। ये देखिए ये पत्ती इसकी टूट गई थी, फिर मैंने इसको ऐसे मिट्टी में सिंपली ऐसे रख दिया अपने छोटे गमले में, और इसके बाद इसमें देखिए दो छोटे से प्लांट ग्रो हो गए हैं। तो आप इसको भी पत्ती से ग्रो कर सकते हैं, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत जल्दी ग्रो होता है। ये देखिए बहुत सुंदर प्लांट है। और इसके बाद जो हमारा लास्ट प्लांट है वो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है और बहुत सुंदर प्लांट है। ये देखिए मदर ऑफ थाउजेंड्स। जी हाँ फ्रेंड, इसको मदर ऑफ थाउजेंड्स यूँ कहते हैं क्योंकि एक इसकी एक एक पत्ती से आपको बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे, एक एक पत्ती से 20-25 प्लांट कम से कम आपको मिलेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये जो आपको पत्ती के ऊपर छोटे छोटे से दिख रहे हैं ना, ये सारे ही प्लांट हैं। और मैं आपको एक बार नीचे दिखा देती हूँ, ये गमले के नीचे ये सारी पत्तियों से निकल निकल के देखिए कितने सारे प्लांट ग्रो हुए हैं। देखने में बहुत खूबसूरत प्लांट है, सकलेंट वैरायटी का प्लांट है, बिल्कुल केयर नहीं मांगता है। आप इसको भूल जाइए, पानी मत दीजिए, कुछ भी मत कीजिए, फिर भी ये प्लांट सिर्फ अपना कलर चेंज करता है, ये ब्राउन कलर का हो जाता है। अगर आप इसको शेड में रखेंगे तो ये थोड़ा ग्रीन कलर का होगा, अदरवाइज ये ब्राउन कलर का हो जाएगा अगर आप इसको पानी देना कम कर देंगे। और बस और कुछ नहीं चाहिए इन प्लांट्स को। तो उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको प्लांट नहीं मिल रहा है तो आप पत्ती से भी ग्रो कर सकते हैं प्लांट को, और आप ग्रो करके ज़रूर देखिएगा। वैसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें बहुत सारे प्लांट बताते हैं कि पत्ती से ग्रो हो जाते, पर मैंने करके देखे तो मुझे सिर्फ ये 5 प्लांट ही पत्ती से मेरे ग्रो हुए हैं, बाकी शायद कुछ कमी रही होगी या बिना मौसम का वेदर नहीं रहा होगा या जैसे भी मेरे से तो नहीं ग्रो हुए। चलिए आप भी बताइएगा अगर आपने भी कुछ प्लांट पत्ती से ग्रो कर रखे हैं इनके अलावा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।